अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, आप देख रहे हैं 4K। मेरा नाम फातिमा बेगम है, मैं काम के वास्ते एजेंट का वादा सुन के दुबई को चले गई थी। मैं दुबई में काम है बोल के दुबई से उन्होंने क्या करे मस्कत को भिजा दिए। मैं मस्कत में भिजा दिए तो बहुत काम ले रहे थे मेरे से, उन्होंने काम करना है बोल के बोले। नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकती, मैं गाँव इंडिया चले जाती बोले तो 2 लाख रुपए भंग के चले जाओ, नहीं तो काम करना है तो करो। तबीयत भी खराब हो आपकी कुछ भी हो तुम्हारा लास्ट वीक भिजा देते, मगर तुम्हारे नहीं भिजाते पैसे दिए नहीं सब अगर बोल के बोले उन। अब जो मेरा बेटा है जहीर, उन्होंने जाके अमजद उनके खान से जाके मिल के हमारे अम्मी इधर दुबई में फंस गए हैं, हमारे अम्मी को बचाओ बोल के उनका मदद लेके बच्चा हमारा मेरे को बचाया। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अमजद उनका खान के, उनसे शुक्र अदा करती हूँ। और कुकड़पाली पुलिस स्टेशन SI को भी मेरा शुक्र अदा कर रही हूँ। हिंदुस्तान का हुकूमत का और MBC वाला इनके तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। एजेंट के बात सुन के आप लोग कोई भी फंसो नको, कोई भी जानो को मेरे मुश्किल है आपको वहाँ जाने के बाद में वो बोलिए। बहुत बहुत परेशानी उठाई मैं वहाँ से, तबीयत खराब हुई तभी मैं काम करने लगी। कितने घंटे काम ले रहे थे आपसे? 24-4 घंटे ले रहे थे काम, उन्होंने बैठने भी नहीं दे रहे थे, सारा दिन करा रहे थे। काम के वास्ते ही काम करना पड़ता, लाश को भिजा दूंगी तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम्हारा लाश को भिजा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है बोल के बोल रहे थे। कौन है वहाँ पर वो लेडी एजेंट, कौन थी जो आपको सता रही थी? घर वाले थी, एजेंट नहीं सता रही थी, वो मकानदार ने आई थी जो मेरे को खरीद के लेके गए थे ना। कितने में खरीदे आपको? उन्होंने 3 लाख दे दिए एजेंट को। हाँ एजेंट को 3 लाख दे दिए, कहते वो पैसे रिटर्न करे तक तेरे को नहीं भिजाती, इधर ही रख लेती, मेरे को तुम्हारे एजेंट से बात करके हमारे पैसे हमको वापस कर, जब चले जा सकती इंडिया को बोल। ठीक, देखिए मेरे साथ जो है शेख फातिमा बेगम हैं। एक्चुअली ये लोग जो है अनंतापुर के रहने वाले हैं, कई दिन से यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं लोग। इनको जो है इनके कुछ घर के हालात खराब थे तो बेचारे जो है यहाँ पर नौकरियाँ ढूंढ रहे थे, तो इनसे कोई एजेंट आके ये बोले कि हम आपको जो है दुबई में काम दिलाते 3 महीने के वास्ते, कुछ शादी का घर है काम को जाओ आप, और आपको जो है महीने को 40,000 रुपये दिलाते बोल के इनको फुसला के यहाँ से दुबई लेकर गए। दुबई में वहाँ जाने के बाद में इनकी बगैर मर्जी के खिलाफ में जो है इनको मस्कत भिजा दिए, इनको मस्कत को भेजे ओमान में। वहाँ पर जाने के बाद में इनको जो है 24 घंटे में 20 घंटे इनसे काम लिया जा रहा था। बहुत बीमार पड़ गए बेचारे वहाँ जाने के बाद में, शुगर BP थायराइड पेशेंट है, वहाँ जाके इतने बीमार पड़ गए कि यानी ज़मीन से भी उठ नहीं सक रहे थे, लेकिन फिर भी मार मार के इनसे काम ले रहे थे, गालियाँ दे रहे थे इनको, बहुत परेशान थे। इनका बच्चा जो है मुसलसिल मेरे पास फिर रहा था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को मैं कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद में इंडियन एम्बेसी ओमान इनके वहाँ के कफील से भी बात किए, और यहाँ पर जो है मुकामी SR नगर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दिया गया था, और एजेंट्स के खिलाफ में एक FIR भी इशू हुआ, एजेंट्स को भी कल गिरफ्तार करे थे। तो इसका मकसद ये है कि मुसलसिल कई दिन से हम कोशिश करने के बावजूद फिर भी ये एजेंट्स पे जो है हैदराबाद में पुलिस की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इनकी कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इतने वाक़ियात पेश आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, तो मुसलसिल कई ख़वातीन जाके फंस गए, मर जा रहे हैं, उनके लाश आ रही यहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी हो रहा, सेक्सुअल असाल्ट हो रहा उनके साथ, कई वाकयात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से जाना नहीं रुक रहा। ये जो ख़वातीन में जो लालच है और जो गरीबी है, जो तालीम की कमी है, उसकी तरफ से ये हो रहा। मैं हुकूमत तेलंगाना से फिर से दोबारा गुजारिश करता हूँ, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर और रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर तीनों से कि ये फेक एजेंट्स के खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करे। और कुछ दिन से जो है कई वाकयात आंध्रा से रिपोर्ट हो रहे हैं,
आंध्रा प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट के ख्वातीन या जो भी फैमिलीज हैं हैदराबाद में, वो लोग ज़्यादा प्रे हो रहे हैं। तो मैं हुकूमत आंध्रा प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से भी मेरा मुतालबा है कि वो आंध्रा में भी ये इलीगल और फेक एजेंट्स पे कंट्रोल करने के लिए दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है एक नया कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अब जब हम कंप्लेंट करते तो इनको जो है 420 के तहत बुक करते, वो नाके से बेल हो जाता है, यानी तो एक दो दिन में बेल पे आ जा रहे हैं एजेंट। तो कोई नया कानून लाना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और जो लोग भी जा रहे हैं, जिनको ख्वाहिश हो रही जाने की, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक मर्तबा जो है शेख फातिमा बेगम की कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद में आप जाना या नहीं जाना फैसला करें।